लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, हाइगन प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करके बताओ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, दो मीडियम्स लेंगे, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c1 है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c2 है, चेंज हो जाएगी, डेंसर में स्लो हो जाएगी। ठीक, ये आपका एक वेव फ्रंट आया, ये देखो ये आपका एक वेव फ्रंट है, स्ट्रेट 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 आ रहा था, जब तक ऑब्स्टिकल नहीं है, जब तक ऑब्स्टिकल नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अब बीच में क्या हुआ, जब ऑब्स्टिकल नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, उसके बाद क्या हुआ, इसकी रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गई। सबसे पहले रिफ्रैक्शन इसकी हुई, ये क्योंकि डेंसर मीडियम में पहले एंटर कर गया, फिर नेक्स्ट 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 और सबसे लास्ट इसकी हुई। तो जब तक ये लाइट डेंसर में एंटर नहीं करती तब तक डेंसर मीडियम में नया वेव फ्रंट बन ही नहीं सकता। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब जैसे जैसे लाइट इसको मीडियम को हिट करती जा रही है, सबसे पहले इसने हिट किया तो ये एक्ट करेगा सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, तो ये एक नया सोर्स हो गया। फिर ये लाइट इसे हिट करेगी, नया वेवलेट ये हिट करेगी, तो जैसे जैसे हिटिंग होती जाएगी ये सोर्स एक्टिवेट होते जाएंगे और सबसे लास्ट में ये सोर्स एक्टिवेट होगा, ऐसे होगा। तो जब जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो नया वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा इसमें। तो मुझे ये पता है कि वेव फ्रंट तब बनेगा इस मीडियम में जब ये एक्टिवेट होगा, जब ये लाइट इसे एंटर करेगी या हिट करेगी इसे। अब जब ये यहां से यहां आएगी, मान लो कितना समय लिया टी, उस समय में टी टाइम में ये तो चली गया डेंसर मीडियम में चली जा चुकी है, तो डेंसर मीडियम में कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी, c2 into t, क्यों, क्योंकि डेंसर में स्पीड कितनी है c2, और t टाइम में ये यहां से यहां आएगी तो t टाइम में ये यहां से यहां चली जाएगी लाइट, तो डिस्टेंस मुझे पता है इस डेंसर मीडियम में कितना ट्रेवल होगा c2 into t, तो यानी कि वेवलेट जो बनेगा उसका रेडियस हम क्या लेंगे c2 into t, तो c2 into t में t टाइम में यहां से यहां आ गया तो वेव फ्रंट यहां से बनना स्टार्ट होगा, आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट, ये बन गया आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है यहां तक? तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये, जब ये डिस्टेंस है c2t, तो ये डिस्टेंस कितना है c1t, क्योंकि यहां पर स्पीड c1 है, यहां पर स्पीड c2 है, राइट? तो हम एक काम करेंगे, एक ये ट्राइंगल लेंगे, एक ये ट्राइंगल लेंगे, एक नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे राइट एंगल, तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आए 90 माइनस आए तो आए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ आर 90 माइनस आर तो ये आर, ठीक है? तो ऊपर वाले ट्राइंगल में साइन आई की वैल्यू विल बी इक्वल टू c1t डिवाइडेड बाय aa', इक्वेशन नंबर 1, चेक कर लो, साइन आई इज c1t aa'। नीचे वाले ट्राइंगल में साइन आर इज c2t डिवाइडेड बाय a a'। तो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू c2t डिवाइडेड बाय a a'। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 and 2 को डिवाइड कर लेते हैं, साइन i बाय साइन r डिवाइड करके ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और क्या आएगा c1 बाय c2। अब c1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या रेयर, और c2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर, और इसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव, और म्यू इज इक्वल टू साइन बाय साइन r, यही तो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रूव हो गया, ठीक हो गया। तो ये इसने प्रूव कर दिया साइन आई साइन आर डिवाइड करके आंसर।